हम आ गए पीपले कला के उस घर में, रमेश भील के घर में, जहाँ पर परसों यानी कि 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान पधारे थे। आइए उनसे बात करते हैं, क्या बात हुई। तो ये हैं रमेश जी, आइए उनसे बात करके देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार सर। तो ये हैं रमेश जी, 28 तारीख को आपके शिवराज सिंह जी आए थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या बात हुई उनसे आपकी? क्या मुलाकात ही नहीं हुई, क्या हुई बात की? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? कुछ नहीं बोला। क्यों? आप कुछ योजना वोजना के बारे में, योजना जो चल रही है उसके बारे में पूछा? और तो क्या क्या योजना बताई उन्होंने? योजना क्या पूरा पूछी, कॉलोनी की पूछी, और क्या प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री आवास दी उन्होंने? जी दी। बहुत बढ़िया। कितने सदस्य हैं? अच्छा, कितने सदस्य आपके घर में? 15-16। 15-16 का परिवार है। घर इतना ही बड़ा है? नहीं बड़ा है। देखिए हमारे आदिवासी भाई रमेश जी भी कर रहे हैं। एक भाई इनका, आपके कितने भाई हैं? चार भाई हैं। क्या 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 करते हैं? दो मजदूरी करते हैं। मैं चाय बेचता हूँ गांव में। अच्छा, आप मोदी जी के समर्थक हैं मतलब चाय वाले? चलिए बढ़िया बढ़िया। और एक और भाई? एक और भाई अपना बीएसएफ में छोटा। अच्छा, बीएसएफ में भी आप? देखिए इनका एक भाई बीएसएफ में है, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं वो। और ये हमारे मोदी जी के समर्थक है, इन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया है। और दो भाई किसान हैं, मजदूरी करते हैं। चलिए, और हमने सुना है कि आपके बच्चों के लिए कुछ बैग वैग की किताबों की व्यवस्था भी करवाई थी उन्होंने। मुख्यमंत्री जी लाए थे वो, कहीं से भी आए थे पर नहीं दिया। और आपने क्या भेंट दी उनको? सापा बंधा के उनको स्वागत किया। चलिए ठीक है।